حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहू बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हदीस की मशहूर किताब बुलूगुल मराम, जिसका तफसीली मुताला और उसका ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है तरतीब के साथ। इसमें हमने गुज़िश्ता ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल, लेन देन, मार्केटिंग के शरई जो उसूल हैं उस पर बात की बड़ी तफसील के साथ। फिर शादी ब्याह के मसाइल पर बहुत सी बातें की गई, निकाह वग़ैरह के मसाइल से मुताल्लिक़। अब इसमें हमारे सामने इस वक्त जो चैप्टर है वो है शादी ब्याह के इंतख़ाब के मौक़े पर कुफ़ू कहते हैं इक्वलिटी या बराबरी, कि जिस लड़के के लिए लड़की का इंतख़ाब किया जा रहा है वो उस लड़के के लिए मुनासिब है या नहीं। इसी तरह से लड़की के लिए जो रिश्ता आप तलाश कर रहे हैं वो लड़का मुनासिब है या नहीं है। सबसे पहली और बड़ी बात तो ये जहन में रहना चाहिए कि कुफ़ू का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो इस्लाम और दीनदारी है। जैसे इससे पहले गुज़र चुका गुज़िश्ता लेक्चर में हमने बताया था कि लड़की का इंतख़ाब लोग चार बातों में से किसी एक को सामने रख कर करते हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चार का तज़किरा करने के बाद जो चीज़ काबिल कबूल होनी चाहिए उसको बताया। लेकिन मैं ख़ुद बताने से ज़्यादा चाहूँगा कि आप उसको दोहराएं, ताकि मालूम हो कि जो चीज़ें हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़े हैं उसको आप लोग जहन में भी रखे हुए हैं कि वो कौन सी चार बातें हैं जिनको देखकर आम तौर पर लोग शादी के लिए लड़की का इंतख़ाब करते हैं नॉर्मल हालात में। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको तरजीह देने का हुक्म दिया है इन चारों में से? माल या उसका फैमिली बैकग्राउंड स्टेटस, या हुस्न व जमाल, या उसके अखलाक और किरदार। किसको तरजीह दी गई? अखलाक, दीनदारी, सीरत, इसको तरजीह दी गई। इसी तरह से लड़का अगर रिश्ता लेकर आए तो उसके लिए भी क्या है, यही दीनदारी को देखने का हुक्म दिया गया कि उसके पर्सनल कैरेक्टर, उसके अखलाक, उसकी सीरत दूसरों के मुकाबले में बेहतर हो। ये असल मेयार है। लेकिन इस मेयार का ये माना नहीं है कि आप जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको ना देखें या उसको चेक ना करें। उसको भी देखने की इजाज़त है, मगर पहली बुनियाद दीनदारी और इस्लाम को सामने रखते हुए। जैसे यहाँ पर इस चैप्टर में यही बात बताई गई, दीन और अखलाक तो है, अब उसके बाद क्या दूसरी चीज़ें भी देखी जानी चाहिए? अगर दीनदारी है और उसके बाद आप दूसरी चीज़ें देख रहे हैं जो आपकी लड़की के लिए या आपके लड़के के लिए मैच करता हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। दीनदारी का माना ये नहीं है कि उसके आप खूबसूरती को ना देखें, बिल्कुल ना देखें, तालीम को बिल्कुल ना देखें, ऐसा नहीं है। उन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। ज़माने जाहिलियत में ये होता था कि सब कुछ ख़ानदान की बुनियाद पर तय किया जाता, चाहे वो नेक हो बुरा हो, इन चीज़ों से उनको कोई बहस नहीं हुआ करती। और आज भी ऐसे बहुत सारे घराने हैं जहाँ ये देखा जाता है कि वो अपनी फैमिली का लड़का है या नहीं है। अगर फैमिली का है, चाहे उसका पुलिस में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो, लेकिन अपनी बेटी की शादी हम उसी के साथ करेंगे जो 6 साल की जेल काट कर आया है और किसी भी वक्त दोबारा जेल में जा सकता है, क्योंकि उसकी उठान ऐसे है, उसका कैरेक्टर इसी तरह का है। क्यों? इसलिए कि वो हमारी भाई का बेटा है, बहन का बेटा है, फैमिली का आदमी है, इसलिए हमारी बेटी गैर फैमिली में ब्याह ही नहीं जा सकती। ये बाज़ लोगों का तसव्वुर है, और ये तसव्वुर शरई एतबार से भी गलत, अखलाक़ी एतबार से भी गलत, क्योंकि इस तरह से रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता कि एक आदमी ना अखलाक है, ना किरदार है, बल्कि मुजरिम है वो, और उसको सज़ा हो चुकी है, और फिर कभी भी वो दोबारा इस तरह की हरकतें कर सकता है क्योंकि यही उसका एटीट्यूड है। तो आप फिर भी अपनी लड़की को उसके साथ शादी के लिए बांध रहे हैं तो यह आपकी अपनी सोच और फहम की गलती होगी। बेशक आप फैमिली में अगर मुनासिब रिश्ता कर सकते हैं, उसकी इजाज़त है, मना नहीं किया गया, मगर फैमिली ही को सब कुछ समझकर रिश्ता तय करें ये गलत है। और बाज़ लोग सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हमारी बिरादरी से मैच नहीं खाता वो शादी नहीं करते। इस वक्त दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं कि अगर किसी की लड़की गलत तरीक़े से उसके साथ फ्रेंडशिप कर ले, बर्दाश्त है, अगर वो घर से भाग जाए गवारा है, मगर वही लड़का अगर प्रॉपर तरीक़े से शादी करने के लिए पैगाम दे, बाप कहता है मेरी इज़्ज़त का मसला है कि आपकी बिरादरी थर्ड क्लास है, मेरी बेटी आपके साथ शादी नहीं कर सकती वरना ख़ानदान में मेरी नाक कट जाएगी। वो नाक तो पहले कटवा चुकी है उसके साथ दोस्ती करके, वो नाक तो आपकी कटवा चुकी है उसके साथ घर से भाग कर। लेकिन ऐसे होता है, बाज़ लोग इस तरह भी सोचते हैं, ये अखलाक़ी तौर पर भी एक जुर्म है, शरई तौर पर भी गलत है कि अगर लड़की उसके साथ इतनी दोस्ती की हुई है, या तो आप उसकी ऐसी तरबियत करते कि वो किसी को अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना बनाती, आप घर में उसकी दीनी तालीम देते, तरबियत करते और उसकी लुक आफ्टर करते। आपने ये काम नहीं किया। अब जब वो लड़की भाग गई, उसके साथ ऑलरेडी वो रह रही है और आपकी नाक नहीं कटी, लेकिन अगर वो रिश्ता करते हैं तो नाक कट जाती है। ये सोचने का इस वक्त भी बाज़ लोगों का इस तरह का अंदाज़ है, ये जाहिलाना तसव्वुर है। और बाज़ लोग सिर्फ बिरादरी की बुनियाद पर कि लड़का बहुत काबिल है, उसके अंदर सलाहियत है, फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन उनका ख़ानदान थोड़ा सा निचले क्लास का है, हमारा ख़ानदान अपर क्लास का है। अब मैं नाम लेकर नहीं बताना चाहता कि कौन अपर कौन लोअर क्लास है, वरना फैमिलीज़ खामखा लड़ पड़ेंगी। लेकिन ऐसे वाक़ियात हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और यूरोपियन ममालिक में कई जगह पर हो रहे हैं कि सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं दिया जाता कि हमारी बिरादरी ज़रा टॉप की समझी जाती है, यानी ख़ानदान हमारा ऊपर का समझा जाता है। और ये तो बिल्कुल आम से लोग हैं, अब इनके नाम चाहे मुकामी तौर पे आप कुछ भी रख लें, लेकिन ये उनकी नज़र में आम लोग हैं। तो ये जो तसव्वुर है ये जाहिलियत का तसव्वुर है, ये पसंदीदा तसव्वुर नहीं है। अल्लाह ताला के पास जो असल मुकाम है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ऑनरेबल, मुअज़्ज़ज़, मोहतरम, तुम में वो आदमी है जो अखलाक, सीरत, अमल, तक़वे में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, ये मेयार दिया गया। उसके बाद आप दूसरी चीज़ें देख सकते हैं, मगर वो लिमिट के अंदर। जब बुनियाद मजबूत होगी सिर्फ ज़रूरी हद तक आदमी दूसरी चीज़ें देखेगा। मसलन दोनों एक ही बिरादरी के हैं, एक ही ख़ानदान के हैं, मगर लड़की मिसाल के तौर पर डॉक्टर है और लड़का मैट्रिक फेल है, तो क्या ये रिश्ता सही होगा? कई एतबार से इसके अंदर रुकावटें पैदा होंगी। यानी ख़ानदान एक है, दोनों का उठक बैठक सब कुछ अंदाज़ एक है, लेकिन दोनों का इल्म और दोनों का जाब और दोनों के तकाज़े जुदागाना हैं। अगर इस तरह की शादी हो तो बहुत मुमकिन है कि उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग ना हो सके जो एक मियाँ बीवी में होना चाहिए। मसलन लड़की बैरिस्टर है, लड़की सॉलिसिटर है, लड़की वकील है और लड़का उसका कोई काम तक नहीं करता, बेरोज़गार है। अब दोनों के अंदर सोचने के बहुत ज़्यादा पैमानों में फ़र्क होगा। क्यों? इसलिए कि जो बैरिस्टर है अब वो घर में जब आ रही है, उसकी कोशिश है कि अगले केस और ट्रायल के लिए तैयारी करे, इसीलिए उसको तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं, फ़ीस दी जाती है। अगर वो केस लूज़ कर दे तो क्लाइंट नहीं आएंगे उसके पास, लोग नहीं आएंगे उसके पास, गोया वो जो वकील है नाकाम वकील समझा जाएगा। वो इसके लिए उसे तैयारी करनी है। अब जब घर आए और वो केस के बारे में तैयारी करने के लिए बैठे, अब शौहर चाहता है कि उसके साथ फ्री होकर बैठे, शौहर चाहता है कि बीवी घर के काम काज करे, शौहर कह रहा है कि आप खाना बनाएं मेरे लिए, आप चाय ले आए मेरे लिए। अब इसका सारा दिमाग सुबह के ट्रायल पर है और शौहर का सारा दिमाग किसी और मसले में है। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क हुआ कि नहीं हुआ? इसमें हम ये नहीं कहते कि ये गलत है या वो गलत है, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग गलत है कि अब उसके ऊपर प्रेशर है कि अगर मैं केस की प्रॉपर स्टडी ना करूं, सुबह जो है कोर्ट में मैं केस पेश नहीं कर सकूंगी, और केस में अगर नाकामी हो जाए, हम लूज़ कर दें मुकदमा, तो इसकी बदनामी होगी। हम जो फ़ीस ले रहे हैं वो किस बात की फ़ीस लें? उसके लिए उसको तैयारी की ज़रूरत है। शौहर ये नज़ाकत नहीं समझेगा। अब अगर शौहर मिसाल के तौर पर कोई मायानाज हॉस्पिटल में सर्जन है, मशहूर सर्जन है, अब उसके लिए कुछ तकाजे हैं कि वो रात में जल्दी से सो जाए, आराम करे, ताकि सुबह 7 बजे से पहले हॉस्पिटल में पहुँचे और अपने जो कुछ है वो चीज़ों को चेक करके ऑपरेशन थिएटर में बर वक्त पहुँचे। अगर बीवी इन नज़ाकतों को न समझने वाली हो, जगह जगह उलझन पैदा करेगी, जगह जगह उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये ख़ानदान एक होने के बाद भी हो रही हैं, क्योंकि दोनों का तालीमी पस मंज़र बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो क़तन मायूब नहीं, बल्कि ये बेहतर अंदाज़ होगा। ये और इस तरह की कुछ और बातें हैं। हम मुख्तसर ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम। नाजरीन, वक्फे से पहले हम बता रहे थे शादी ब्याह और रिश्ते तय करते वक्त सबसे बड़ी जो चीज़ है वो दीनदारी और अखलाक है, और उसके बाद अगर आप तालीम और दूसरी चीज़ों को भी जहन में रखते हैं तो ये मायूब नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात इसकी ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। अगर आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है और आप ऐसे लड़के का इंतखाब करते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हो, तो वो उसके लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि उसके सोचने का अंदाज़ और होगा, लड़की के सोचने का अंदाज़ और होगा। लड़की अगर काम कर रही है तो उसका अपना अंदाज़ और होगा, और लड़का बेरोज़गार है तो उसका अपना अंदाज़ अलग होगा। इसलिए शरई तौर पर दूसरी जो चीज़ें हैं इस पर गौर करने से मना नहीं किया गया। उसकी मिसाल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई और उन्होंने मशवरा किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। 2 सहाबाए किराम की तरफ से उनके लिए रिश्ते की प्रपोज़ल थी, तजवीज़ दी गई थी, लेकिन उन्होंने मशवरा किससे किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सहाबी के बारे में कहा कि देखो उनके पास कोई माल वग़ैरह नहीं है, तो माल अगर ना हो यानि वो घर बार चलाने वग़ैरह उसके अखराजात बर्दाश्त करने की पोजीशन में ना हो तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और इसी तरह से दूसरे जो सहाबी हैं वो ज़रा तेज़ मिजाज के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी लाठी हमेशा चलती रहे और फिर तुम बाद में शिकवा और शिकायत करो। तो ये दोनों चीज़ों को समझ लो, यानि दोनों जो सहाबाए किराम थे उनको आपने इसलिए नहीं कि वो मुसलमान नहीं हैं या तकवा और परहेजगारी में कमज़ोर हैं इसलिए रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को भी आप सामने रख रहे हैं। तो इसका माना ये निकला सुन्नत के मुताबिक दूसरी चीज़ें भी देखनी चाहिए। इसीलिए उन सहाबिया को आपने एक थर्ड सहाबी की प्रपोज़ल दी, ये दोनों के बजाय थर्ड एक नाम आपने पेश किया, अगर उनको कंसिडर करें वो ज़्यादा मुनासिब होगा रिश्ता तुम्हारे लिए। और फिर उनकी शादी उनके साथ हुई। तो मतलब क्या हुआ? अब सहाबा मुत्तकी तो थे, सहाबा के इस्लाम पर कोई शक व शुबा नहीं, 2 सहाबा के नाम उन्होंने पेश किए और आपने दोनों को रिजेक्ट किया दूसरी चीज़ों की वजह से। तो इसका माना ये हुआ कि अगर कोई रिश्ता लेकर आए इस्लाम के अलावा अगर दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें भी देखी जाएँ तो इसमें कतन गलत नहीं, बल्कि ये भी सुन्नत के मुताबिक होगा। लेकिन प्रायोरिटी इस तरह होनी चाहिए कि पहले दीन, अखलाक, और फिर उसके बाद आप जो दूसरी चीज़ें देखना चाहें अगर वो देखें मुनासिब हद तक तो वो भी आपके लिए ठीक है। अब इसमें बाज़ औक़ात देखना भी ज़रूरी होता है कि उसका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, उसका अपना बैकग्राउंड। लड़का हो सकता है कि नेक हो, दीनदार हो, मगर मेंटालिटी उसकी कुछ और किस्म की हो या उसका ख़ानदानी पस मंज़र कुछ और किस्म का हो, तो वो ऐसी उलझनें पैदा करेगा जो मियाँ बीवी की लाइफ में बेहतर नहीं समझी जाती, और ऐसी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। बाहर वालों के लिए लड़का काबिल है, तालीम याफ्ता है, अखलाकी एतबार से भी ठीक है, मगर दूसरी तरफ उसका जहन, उसकी उठान कुछ इस तरह की है कि वो फैमिली लाइफ और उसके तकाज़ों को नहीं समझ सकता। जब वो ना समझ सके तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान वो नहीं होगी। नतीजे में बाहर वालों के लिए वो साहिब सब कुछ हैं, मगर बीवी के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, बीवी के लिए इंतहाई तबाहकुन हैं। तो ये फैमिली लाइफ के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ होगी। इसी तरह से लड़की का मामला भी है। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलिए। बाज़ लोग ख़ानदान की बुनियाद पर रिजेक्ट कर देते हैं। आप देखिए कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में कितनी ऐसी शादियाँ हुई। मिसाल के तौर पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा मशहूर नाम है। हज़रत ज़ैनब कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूपी ज़ाद हैं। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि वो कुरैशी ख़ानदान की हैं, अरबी बोलने वाली हैं, फैमिली के अतबार से सबसे अरब का जो ऊंचा कबीला है कुरैश का उसकी हैं वो। और उनकी शादी किसके साथ हुई? हज़रत ज़ैद के साथ हुई। हज़रत ज़ैद कौन है? रज़ी अल्लाह अन्हु, एक आज़ाद करदा ग़ुलाम। और ग़ुलामी का तस्वुर उन दिनों में स्लेवरी सिस्टम अरब कल्चर में, आज नहीं बल्कि आज से पहले जब इस्लाम शुरू हो रहा था और ज़माने जाहिलियत में, ऐसे था जैसे आज हमारा और जानवरों के दरमियान मुकाबला है। इतना डिस्टेंस था, इतना फ़र्क था कि वो ग़ुलाम को ऐसे ही समझते जैसे वो जानवर है। उसके साथ जैसे चाहे काम लीजिए, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कीजिए, उनके लिए इसमें कोई ऐब की बात नहीं थी। ये एटीट्यूड था उनका ग़ुलामों के बारे में। लेकिन हज़रत ज़ैद जो कि आज़ाद करदा एक ग़ुलाम थे, कबीले कुरैश की मुअज़्ज़ज़ तरीन बेटी की शादी उनके साथ कर दी गई। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ताकि ये ज़हन व दिमाग से बात निकले कि असल बुनियाद ईमान, तक़वा और परहेज़गारी की है। इसी तरह से हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत उसामा का बैकग्राउंड चूँकि उनके वालिद आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, उसी बैकग्राउंड से वो ताल्लुक़ रखते थे हज़रत उसामा। मगर दूसरी तरफ उनकी जो शादी की गई हज़रत फ़ातिमा बिनते क़ैस के साथ, जो कि कबीले कुरैश की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खातून थी, हुस्न जमाल में भी बहुत आगे थी। कई लोगों ने प्रपोज़ल दी उनके साथ शादी करने की, मगर उनकी शादी हज़रत उसामा के साथ हुई। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत बड़े मशहूर सहाबी हैं, बहुत उनका ऊँचा दर्जा है। और उस ज़माने में ये इस्तिलाह नहीं थी, मगर आज की इस्तिलाह में अगर आप समझना चाहें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को, तो यूँ समझिए कि वो मिलियनर थे उस वक्त के। मिलियनर सहाबाए किराम में हम जब बात करते हैं तो एक तस्वुर आता है ना, गरीब, मिस्कीन, ज़रूरतमंद, पेनी लेस, शायद ऐसे ही थे। हालांकि ये तस्वीर का आधा रुख है, सहाबाए किराम में गुरबत वग़ैरह आधा रुख है। दूसरा रुख क्या है? उनमें अमीर भी थे, बहुत बड़े मालदार भी थे, साहिब सरवत किस्म के लोग भी थे। जैसे उसकी एक मिसाल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। हज़रत उस्मान के नाम के साथ गनी लिखा जाता है, गनी का मतलब ही अमीर और मालदार होता है। ऐसे बहुत सारे सहाबा अमीर भी थे। तो मैं हमेशा अपने मुअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों से कहूँगा कि सहाबाए किराम की गुरबत के वाक़ियात जब नकल करें, दौलत के भी नकल किया करें, ताकि दोनों तस्वीरें सामने जा सकें। कि कोई ये ना समझे कि हम दीन पर अमल करें तो फिर फ़कीर कंगाल ही रहना पड़ेगा। नहीं, दीन पर अमल करके हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ के चीज़ों को सामने रखते हुए आप अमीर बल्कि मिलियनर भी बन सकते हैं, ताकि ये अच्छा पिक्चर भी सामने जाए। और जैसे हर मुआशरे में, हर दौर में तीन किस्म के लोग हैं, अमीर, मिडिल क्लास और गरीब। इसी तरह सहाबा में भी था, अमीर भी थे, दरमियानी मुतवस्सित दर्जे के लोग भी थे और गरीब भी थे। अब हमारे पास सिर्फ गरीबी की किस्से बयान किए जाते हैं, मुतवस्सित के भी बयान करें, अमीर लोगों के भी बयान करें, ताकि ये अच्छा पैगाम जाए कि इस्लाम पर अमल करते हुए आप अमीर भी बन सकते हैं और ज़्यादा दौलत भी कमा सकते हैं। हर ज़माने में जैसे रहा वैसे ही सहाबा के अंदर भी था। बहरहाल, मैं पॉइंट जो बता रहा था, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बहन हाला, उनकी शादी किसके साथ हुई? अब ये मिलियनर हैं और दूसरे कुरैशी हैं, अरब के टॉप कबीले से इनका ताल्लुक़ है। इनकी शादी किसके साथ हुई? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ। हज़रत बिलाल कौन थे? नॉन अरबियन, अरब बैकग्राउंड से नहीं थे। हबशी उनके नाम के साथ लिखा जाता है। हबशा जो है इथियोपियन इलाक़े को कहते हैं। तो मतलब ये है कि वो अफ्रीकन बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ था। उनका रंग, नाक, नक्शा सब कुछ कैसे था? जैसे उमूमन अफ्रीकी लोगों का होता है। उनकी शादी एक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीले की बेटी से की गई। तो ये चंद मिसालें मैंने दी हैं ताकि बात अच्छी तरह से वाज़े हो सके कि अगर तक़वा और परहेज़गारी हो तो किसी भी कबीले की बेटी से शादी की जा सकती है, इसमें रुकावट नहीं है। ये कुफू का मसला है। मगर अगर आप इसके साथ साथ, कुफू ये नहीं है कि आप कहें कि फ़लाँ ख़ानदान है तो ख़ानदान ही को हम देखेंगे वरना नहीं देखेंगे, नहीं, आप जो है दीनदारी को देखें, ये कुफू हो गया। उसके बाद इल्म है, दूसरे बैकग्राउंड है, इसको भी अगर आप चेक करें तो क़तन मना नहीं किया गया तो दोनों में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वक्फ़ा करना चाहेंगे क्योंकि हमारा वक्त बहुत महदूद है, तो बाद में हम मज़ीद शादी ब्याह से मुतालिक जो और चीज़ें हैं उसका इंशाअल्लाह ताला आइंदा लेक्चर में तज़किरा करेंगे। अगर ये सिलेक्शन के बारे में, कुफू के बारे में अगर आपको कोई सवाल करना हो या कोई बात हो तो आप यहाँ कर सकते हैं। माशाअल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि कोई अगर एक रिश्ता बनने को जा रहे हैं और लड़का वाला मुझे ये पूछ रहा है कि लड़की कैसा है, क्या है, तो मैं उनके बारे में, लड़की के बारे में, उनके अच्छे बुराई सब कुछ बता दिया, तो क्या ये गिबत बन जाता है क्या? हाँ, अगर कोई रिश्ता करने के लिए जा रहा हो, एंगेजमेंट से पहले आपसे कोई मशवरा कर रहा है और आप उसकी जो चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बताना चाहें तो वो गिबत में आता है? नहीं आता, क्योंकि आप जो है बुरी नीयत से बुरे मकसद के लिए नहीं बता रहे हैं, बल्कि उसको एक नुकसान से बचाने के लिए सही जो चीज़ है वो आप बता रहे हैं। और उसकी दलील क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सहाबिया आईं और उन्होंने ये पेश किया कि ये दो आदमी, उन्होंने नाम लिया उनका कि ये दो सहाबा का रिश्ता मेरे पास आया है, तो आपने जो बात की, एक के लिए आपने कहा सालूक, सालूक कहते हैं बहुत गरीब, पेनीलेस, मोहताज आदमी को। एक के बारे में आपने कहा कि उसकी ये कंडीशन है और दूसरे के बारे में कहा कि वो अपनी लाठी नीचे तक नहीं रखते। तो देखने में बज़ाहिर ये दोनों उनके ख़िलाफ़ जा रही हैं बातें, तो इसको गिबत नहीं कहा जाएगा। वो इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ऐब जोई के तौर पे नहीं कहा, बल्कि जो आपसे मशवरा किया जा रहा था, मशवरा देने वाला अमानतदार होना चाहिए ताकि आप सही सही बात बताएं। अगर वो रिश्ता करना चाहे उसकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह अगर आपको मालूम है कोई आदमी किसी के साथ रिश्ता तय कर रहा है लेकिन उसके अंदर कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो उनको नहीं मालूम, बाद में जाकर वो झगड़े का सबब बन सकती है या रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, तो अगर आप उनको बता देते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर शक्ल है। मैं मिसाल दूँ एक कि बाज़ औक़ात होता है कि मसलन एक साहब पहले से शादी किए हुए हैं, बच्चे भी हैं, अब जाकर नए बनकर जो है वो पेश होते हैं जैसे शादी उनकी हुई नहीं। अब वो रिश्ता तय हो गया कि भाई अब ये नौजवान है, देखने में ज़रा हैंडसम लग रहे हैं, शादी नहीं हुई, वो हुआ। आपको मालूम है उसके 3 बच्चे हैं ऑलरेडी, तो आप अगर माँ बाप से कहते हैं कि भाईजान ज़रा रुकिए, वो साहब की एक बीवी है, 3 बेटे भी हैं, अगर आप देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, तो ये बुराई नहीं होगी बल्कि बरवक्त उनकी हेल्प होगी। वरना लड़की उनकी ब्याही जाए और घर में जाने के बाद पता चले कि मेरा शौहर तो 3 बच्चों का बाप है ऑलरेडी, तो फिर क्या होगा? झगड़े की बात होगी। दूसरी शादी मना नहीं है, चोरी करना मना है, झूठ बोलना, धोखा देना ये मना है। यहाँ चूँकि हमारा वक्त हो रहा है और भी सवालात हैं, लेकिन यहीं पर हम अपने प्रोग्राम को रोक रहे हैं। इंतज़ार कीजिए हमारे आइंदा लेक्चर का, हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला नई कुछ मालूमात के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.